आज पूरे देश में दो ही विचारधारा काम कर रही है, एक मनुवादी विचारधारा और एक डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा, अंबेडकरवादी विचारधारा। और मनुवादी विचारधारा जो है हर तरह से समाज हो, देश हो, उसके लिए या पूरी दुनिया के लिए घातक सिद्ध होती है। अगर इसका सही सलूशन अगर कहीं है पूरे दुनिया में, तो अंबेडकरवादी विचारधारा ही है, जो कि पूरी दुनिया को विज्ञानवादी और तर्कवादी सोच पे ला करके खड़ा करती है। सर, आप एक तरह से कह रहे हैं कि अंबेडकरवादी विचारधारा कहीं ना कहीं तोड़ सकती है। जनवरी महीने में बहुत बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है, श्री रामचंद्र जी का जो अयोध्या में मंदिर बनाया गया है उसका लोग अवतरण करेंगे, और धीरे धीरे कहीं ना कहीं मनुवादी विचारधारा ग्रसित होते जा रहे हैं। अभी देखा है आप लोगों ने, जब भी कोई पूजा पाठ होता है देवी देवताओं का, बड़े झूम झाम से सरकार भी मदद करती है। क्या लग पा रहा है कि कुछ इस सम्मेलन में कुछ हो पाएगा? देखिए, वो जो सरकार है, माननीय कांशीराम साहब कहा करते थे कि जिसकी राजसत्ता होती है उसी की धर्म सत्ता होती है, धर्म स्थापित होता है। आपको याद होगा कि बहन कुमारी मायावती जी का जब सत्ता आया यहाँ पे, और उन्होंने पूरी तरह से बौद्ध शासक होने का प्रमाण दिया और उनके शासन में बौद्ध धर्म फला फूला, उसी तरह से ये आरएसएस की विचारधारा है, आरएसएस की विचारधारा की सरकार है, तो वो अपना एजेंडा लागू कर रही है। लेकिन आज हमको जो है हम उसके अगेंस्ट काम नहीं करेंगे, बल्कि हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और जितने भी हमारे बहुजन महापुरुष हैं उनकी विचारधारा को बढ़ाने के लिए ही महासम्मेलन हुआ है, ताकि हम लोग उधर न भ्रमित होकर के बल्कि अपने महापुरुषों की विचारधारा पर चल सके। तो ये अब आप जनवरी की बात कर रहे हैं, ये कम दिन का, जैसे अंबेडकर फूले और साहू का विचारधारा इतना आसान नहीं है समझाना और समझाना, इसमें बहुत समय लगेगा। और जिस विचारधारा को बुद्धा ने फैलाया उसी को फूले ने फैलाया, और उसी को डॉक्टर अंबेडकर ने फैलाया, और उसी विचारधारा को ये आवाज का टीम जो है, आवाज का के नेतृत्व में हो रहा है, तो उसी विचारधारा पे हम काम कर रहे हैं। तो कठिन काम तो कठिन है, लेकिन निरंतर करना पड़ेगा, क्योंकि वो निरंतर कर रहे हैं और हम जो है निरंतर अगर नहीं करेंगे तो हम विफल होंगे। लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि ऐसे कार्यक्रम को आयोजन करके पूरे देश में, पूरी दुनिया में हम अंबेडकरवादी विचारधारा का परचम लहराने में कामयाब होंगे। अंबेडकरवादी विचारधारा, फूले की विचारधारा, बुद्ध की विचारधारा को लेकर के अभी हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक टीचर हैं डॉक्टर लक्ष्मण दास, जानते हैं लक्ष्मण यादव जी को, डॉक्टर लक्ष्मण यादव को जब इन्होंने अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम किया तो उनको सरकारी नौकरी से निकाल दिया गया। देखिए, ये सत्य है कि अब आंदोलन भी दो तरह से किया जाता है, आंदोलन को कैसे किया जाना चाहिए, कैसे नहीं किया जाना चाहिए, इस बात की भी जानकारी होनी चाहिए। और जब भी फूले साहू अम्बेडकर की विचारधारा को आप लेके आगे चलेंगे, इन सारी चीज़ों का सामना तो आपको करना ही पड़ेगा, और इससे अगर जो डर गया वो विचारधारा को आगे नहीं बढ़ा सकता है। इससे आगे निकल करके हमको विचारधारा को, बहुत सारी चीज़ें हैं, ललई यादव थे, ललई यादव ने इस विचारधारा को आगे बढ़ाया, उनको जेल जाना पड़ा, उनको मुकदमा लड़ना पड़ा, इसी तरह से बहुत सारे। लेकिन हम अपने संवैधानिक तरीके से बाबा साहब की विचारधारा और फूले साहू की विचारधारा को, बुद्ध की विचारधारा को हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और हमको लगता है कि यदि हम संवैधानिक तरीके से काम करेंगे तो कोई भी अड़चने आएगी तो उसको हम पार कर लेंगे। क्या लग रहा है डॉक्टर लक्ष्मण यादव के साथ गलत हुआ है? अब भाई देखिए, अब किसी की नौकरी छीन जाए विचारधारा को लेकर तो गलत तो हुआ ही है, ये तो होगा ही। अब क्योंकि पूरी तरह से कब्जा जो है मनुवादियों का है वहाँ, तो उनके खिलाफ आप जाएंगे तो उनको तकलीफ होगी, तो वो तो सजा देंगे ही। कैसे बदलाव होगा? बदलाव तो भाई मैंने तो कह दिया ना कि अगर इन सारी चीज़ों से, तत्वों से डर करके आप घर में बैठ जाएंगे तो बदलाव नहीं होगा। ये साहसी लोगों का आंदोलन है, इसको सभी लोग नहीं चला सकते हैं। फूले साहू अंबेडकर के विचारधारा को साहसी लोग चला सकते हैं जिसके पास साहस हो, और बिना साहस के नहीं चल सकता। तो और होती है, कहते हैं कि जब तक सत्ता हाथ में नहीं आएगी तब तक हम इन विचारधाराओं को बदल नहीं पाएंगे। तो सत्ता के लिए ही तो हम कर रहे हैं। सत्ता के लिए कौन, सत्ता कौन हमारा जो है कि आगे आने वाले समय में हमारा साथी बनेगा? साथी आपको देखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है कि जो भी पार्टी, जो भी, हम पार्टी का नाम नहीं लेंगे, जिसने फूले साहू अम्बेडकर की विचारधारा को आगे बढ़ाया वही सारथी है। बसपा ने आगे बढ़ाया था,
अब बसपा के लोग कभी दिखते नहीं मैदान में, आप दिखते हैं तो चंद्रशेखर के लोग दिखते हैं, तो कहीं ना कहीं मान लिया जाए कि भीम आर्मी के लोग ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप बसपा के लोगों को नहीं देख रहे हो, मान्यवर साहब का जो आंदोलन था रोड पे नहीं चला है, बाबा साहब का आंदोलन जो रोड पे नहीं चला है। आप चूंकि ये पॉलिटिकल सम्मेलन भी नहीं है, लेकिन कहना पड़ेगा, अगर हमारा उद्देश्य जो जिसने, मैंने कहा ना बसपा ने आगे बढ़ाया, आप भी कह रहे हैं कि बसपा ने आगे बढ़ाया, तो बसपा ने जब आगे बढ़ाया तो हमको अब समझना है कि जब बसपा ही बढ़ा सकती है तो हमको कहाँ रहना चाहिए। ये आपकी बात सही लग रहा है कि जब बसपा ने ही आगे बढ़ाया तो हमको कहाँ रहना चाहिए। बीच में कोई आ जाए, किसी के बहकावे में आकर के अपनी पार्टी खड़ा कर लेता है, कोई संगठन बना लेता है, तो हमको उससे मतलब नहीं है। इसी चीज़ को हमको समझाना है कि सही रास्ता संवैधानिक तरीके से कौन बुद्ध फूले साहू अम्बेडकर की विचारधारा को आगे बढ़ा रहा है, हम उसके साथ रहें। अभी हम गाजीपुर के गोविंदपुर मठिया में थे, बातचीत कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इन्होंने कहा है कि जब तक हम अपनी विचारधारा को साथ लेकर न चलेंगे और किसी के बहकावे में नहीं आएंगे तो आने वाले भविष्य में हम अम्बेडकर विचारधारा को ला सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, शुक्रिया।